पुलाव तो आपने कई बार बनाए होंगे, लेकिन जो कुकर में या तो एक ही बर्तन में बनते हैं, जिसे हम वन पॉट राइस बोलते हैं, वो बहुत कम, क्योंकि वन पॉट रेसिपी में अक्सर मिस्टेक्स हो जाती है, जैसे कि राइस का ओवर कुक होना, या तो कच्चा रह जाना, या तो मसाला बरोबर मिक्स ना होना। हाय गाइस, एम के हियर। मैं आज बना रहा हूँ मटर पनीर पुलाव, और वो भी वन पॉट में। आप चाहो तो कुकर में भी बना सकते हो, न ही कोई राइस बॉयल करने की झंझट और ना ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग। सारे टिप्स शेयर करूँगा जिससे आपका पुलाव ऐसा परफेक्ट और खिला खिला बने। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आपको चाहिए 1 कप रेगुलर बासमती राइस। यहाँ पे मैंने ग्लास का मेजरमेंट लिया है जिससे सभी को आसानी हो, क्योंकि सबके घर में मेजरमेंट कप्स नहीं होते। इसमें डालो पानी और अच्छे से 3 से 4 बार धो लें। आप चाहो तो घर के कोई भी कटोरी या ग्लास से मेजरमेंट कर सकते हो, बस जो भी ले, आपको 1 कप या ग्लास लेना है। चावल अच्छे से धुल गए हैं, इसमें डालो 1 कप पानी और 30 मिनट्स के लिए सोक कर ले। 30 मिनट से ज़्यादा नहीं भिगोना है, वरना चावल कुक करते समय जल्दी गल जाएंगे और ज़रा भी खिले खिले नहीं बनेंगे। नेक्स्ट, आप ले नॉन स्टिक पैन और इसमें डालें 2 टेबलस्पून ऑयल। जैसे ही तेल गर्म हो जाए, डालो पनीर। पनीर को मैंने ऐसे बड़े क्यूब्स में कट किया है ताकि जब हम इसे पुलाव में ऐड करें तो दिखे। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन और थोड़ा क्रिस्पी होने तक रोस्ट करना है। आप ऐसे टोंग्स की मदद से पनीर को ऊपर नीचे फ्लिप कर सकते हो। पनीर परफेक्टली रोस्ट हो गए है, चलिए तो इसे एक प्लेट में निकाल लें। अब सेम पैन में डालो 1/2 कप काजू, जिसे मैंने ऐसे बीच में से स्लिट कर लिया है। काजू को भी आप गोल्डन होने तक रोस्ट कर लें। आपको यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं ऐड करना है। काजू भी रोस्ट हो गए हैं, इसे भी एक बाउल में निकाल ले और रख दे साइड में। अब नेक्स्ट स्टेप्स के लिए आप चाहो तो कुकर यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे ये क्ले पॉट यूज़ कर रहा हूँ, जिससे पुलाव में टेस्ट अनोखा आता है। इसमें डालो 4 टेबलस्पून ऑयल। जैसे ही तेल गर्म हो जाए, डालो 1 टीस्पून जीरा। जीरा को अच्छे से चटकने दे। अब डालो स्लाइस्ड ऑनियंस, 1 टेबलस्पून चॉप अदरक और लहसुन। नेक्स्ट हमें चाहिए खड़े मसाले, 3 से 4 लौंग, 1 तेज पत्ता, 4 हरी इलायची, 2 सूखी लाल मिर्च, 9 से 10 काली मिर्च, 1/2 दालचीनी का टुकड़ा। सारे खड़े मसाले डाल दें। नेक्स्ट डालो 3 तीखी हरी मिर्च और 1/4 टीस्पून हींग। सभी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पे भून ले ताकि खड़े मसाले का फ्लेवर ऑयल में रिलीज हो और ऑनियंस भी ट्रांसल्यूशेंट हो जाए। अब डालो होममेड बिरयानी मसाला। इस स्टेज पे मैं बिरयानी मसाला इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि जो हम वेजिटेबल्स बाद में डालने वाले हैं वो मसाले में अच्छे से मैरिनेट हो जाए। मसाला को हमें सिर्फ 1 मिनट ही कुक करना है। चलो तो ऐड करते हैं वेजिटेबल्स। 1/2 कप स्लाइस गाजर, 1/2 कप हरा मटर और सारे वेजिटेबल्स को मसाले में 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लें। इसलिए तो पहले बिरयानी मसाला डाला था ताकि वेजिटेबल्स फीके ना लगे। अब डालो सोक किए हुए राइस। राइस में पानी डालने से पहले आप राइस को अच्छे से तेल में सेक लें। अगर आप ये रेसिपी कुकर में बना रहे हो तो सारे स्टेप्स सेम ही है, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है। मेरी गारंटी है खिला खिला पुलाव बनकर तैयार होगा। अब डालो धनिया पाउडर, गरम मसाला और होममेड बिरयानी मसाला। इन सभी को कर लो मिक्स। नेक्स्ट ऐड करो रोस्टेड पनीर, रोस्ट किया हुआ काजू और फ्रेश धनिया। यहाँ पे मैं एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ, अगर हो सके तो आप होममेड बिरयानी मसाला ही यूज़ करना, इससे ऑथेंटिक अरोमा और टेस्ट आएगा। अब जिस ग्लास से मैंने चावल मेज़र किए थे वही सेम ग्लास हम पानी डालने के लिए यूज़ करेंगे।
आपको यहाँ पे डालना है 2 ग्लास गर्म पानी, एग्जैक्टली 1:2 रेशियो, 1 कप चावल के लिए 2 कप पानी। सभी चीज़ों को कर लो मिक्स। लेट्स एड सॉल्ट टू टेस्ट। अब कवर करके कुक करें 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। आप कुकर में बना रहे हो तो आपको हाई फ्लेम पे एक ही सीटी लगानी है। 7 मिनट हो गई है और देखिए हमारा पुलाव कितना परफेक्ट बना है ना, एकदम खिला खिला और नीचे से भी नहीं चिपका। अब ऐसे पुलाव को ऊपर नीचे कर ले ताकि वो ओवर कुक ना हो। चलो तो करते हैं पुलाव को सर्व। है ना एकदम आसान पुलाव को बनाना, वो भी बहुत ही कम टाइम में। जब भी बिरयानी खाने का मन करे तब फटाफट से 1 पॉट पुलाव बनाइए, स्वाद बिल्कुल स्ट्रीट जैसा ही आएगा। इसे आप जरूर ट्राई करना, बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आई विल सी यू ऑल विथ अनदर डिलीशियस रेसिपी। टिल देन खाते रहिए और खिलाते रहिए। बाय बाय, सी या।